आज हम आपको एक बेहतरीन जड़ी बूटी के बारे में बताएंगे। आज हम आपको द्रोण पुष्पी के पौधे से अवगत कराएंगे, इसकी पूरी पहचान और इसकी पूरी जानकारी आपके समक्ष रखेंगे। तो आप देख सकते हैं, ऐसा होता है द्रोण पुष्पी का पौधा है जो पूरे भारतवर्ष में आपको आसानी से मिल जाता है। सबसे पहले जानते हैं कि ये पौधा होता कैसा है और इसके गुण तथा फायदे क्या होते हैं। ये पौधा औषधीय गुणों से भरपूर होता है। इसकी गांठों पर सफेद फूलों के गुच्छे लगते हैं। ये पौधा ज्यादातर 1 से 3 फीट तक ऊंचा होता है और इसकी टहनी रोम युक्त होती है। इसका स्वाद बहुत कड़वा होता है। दोस्तों, इस द्रोण पुष्पी की कई सारी प्रजातियां पाई जाती है। इसका अंग्रेजी नाम थम्बे और लेटिन नाम ल्यूकस सिपलोटस है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें, जिससे हमारी हर नई वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। आयुर्वेद के अनुसार द्रोण पुष्पी के गुणों की हम बात करें तो ये स्वाद में मधुर, कड़वी, उष्ण और गुरु होती है। ये तीक्ष्ण वात पित्त कारक और कफ को मिटाती है। ये बुद्धि को बढ़ाने वाली, भेदन और रुचि को बढ़ाती है। इस पौधे का पंचांग कृमि मिटाने वाला, स्वेद जनन, विरेचक और उत्तेजक होता है। ये शरीर में हुई सभी प्रकार के सूजन में फायदेमंद होता है। ये श्वास नलिका की सूजन को भी दूर करता है, कामला रोग को नष्ट करता है और साथ ही अजीर्ण मिटाता है। पक्षघात, जीर्ण ज्वर और त्वचा रोगों में भी अधिक फायदेमंद है। दोस्तों, अगर आपको सिर दर्द की समस्या होती है तो इसके ताजे पत्रों का रस निकालें और माथे पर लगाएं, इससे शीघ्र ही सिर का दर्द मिटता है। इसके अलावा इसके ताजे पत्तों का रस निकालकर 2 से 3 बूंदों का नस चलने से भी सिर दर्द मिटता है। द्रोण पुष्पी पेट के रोगों में भी अधिक फायदेमंद होती है। इसके पत्रों का साग बनाकर सेवन करने से पेट का अजीर्ण दूर होता है। अगर किसी को कामला रोग हो गया हो तो इस गुमा के ताजे पत्तों का रस निकालें और इसका नस चले तथा आंखों में अंजन करें। इसके साथ ही इसके 5 मिली रस के साथ थोड़ा सा शहद मिलाकर पिए, इससे कामला रोग में अधिक फायदा होगा। दोस्तों, इसका दूसरा एक प्रयोग है कि इसके 10 मिली ताजे पत्तों के रस के साथ 7 दाने काली मिर्च का चूर्ण मिलाएं और सेंधा नमक मिलाकर दिन में 3 बार सेवन करें। इससे कामला रोग सहित पांडु रोग भी नष्ट होता है। इस जड़ी बूटी का आप डायबिटीज में भी उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए इस द्रोण पुष्पी के ताजे पत्तों का रस लगभग 10 मिली की मात्रा में लेकर साथ में 500 मिलीग्राम काली मिर्च का चूर्ण डालकर रोजाना सुबह पिए, इससे डायबिटीज कंट्रोल में हो जाता है। इसे सुखाकर भी आप उपयोग में ले सकते हैं। इसके लिए इसके 10 ग्राम पत्तों के सूखे चूर्ण के साथ साथ में 500 मिलीग्राम काली मिर्च का चूर्ण मिलाकर 1/2 लीटर पानी में उबालें और ये जब 1/4 शेष रह जाए तब ठंडा होने के बाद छान कर पिए। आप इसका उपयोग ज्वर में भी कर सकते हैं। इसके लिए द्रोण पुष्पी के पंचांग के साथ सौंठ, गिलोय, चिरायता और पित्त पापड़ा, इन सबको समान मात्रा में मिलाकर क्वाथ बना लें। अब इस क्वाथ को 10 से 20 मिली के मात्रा में 2 से 3 दिनों तक पीने से विषम ज्वर नष्ट हो जाता है। दोस्तों, जब शरीर में वात बढ़ जाता है तो कई प्रकार के वात विकार उत्पन्न होते हैं। इसके लिए द्रोण पुष्पी के पत्तों का ताजा रस निकालकर शहद के साथ मिलाकर पिए। इस प्रयोग से बढ़े हुए वात का जल्दी ही शमन होता है और वात विकार से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, ये चमत्कारिक जड़ी बूटी सांप के काटने पर उपयोग में ली जाती है। अगर किसी को सांप ने काट लिया हो तो इसके ताजे पत्तों का रस जल्दी से निकालकर नस दिया जाता है, कान में डाला जाता है और साथ में पिलाया भी जाता है। इससे मरीज की बेहोशी दूर होती है और जल्दी से होश आ जाता है। इस प्रयोग को अजमाने से मरीज की जान जरूर बच जाती है और अस्पताल ले जाने का वक्त मिल जाता है। दोस्तों, ये प्रयोग तभी करना चाहिए जब कहीं भी आसपास में अस्पताल न हो, डॉक्टर न हो, अन्यथा कभी न करें। जब ये किसी के साथ हादसा होता है तो सबसे पहले डॉक्टर के पास जरूर जाएं।